सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आप लोग कह रहे हो इतने दिन बाद लोग आ रहे थे, यार नाराज ना होना। तो यार जैसे कि आपने शॉर्ट में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक ही वीडियो में दो रोल कर सकते हैं, तो यार आज की वीडियो इसी बारे में है। चलो गाइस चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। दिन ने शॉर्ट नहीं देखा पहले, आ रहा है आप शॉर्ट देख लो, ये आ रहा है शॉर्ट। शॉर्ट देख लिया, चलो अब बनाते हैं। तो गाइस इस वीडियो को शूट करने के लिए जो हमें मतलब चीजों की जरूरत है वो है एक मोबाइल स्टैंड और एक नॉर्मल है मोबाइल। तो यार हमने वीडियो को स्टॉप पॉज वगैरह कुछ नहीं करना, नॉर्मल से एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है और जो है उसके बाद उसको एडिट करनी है। चलो यार पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यार अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बैकग्राउंड अच्छा हो, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा होगा तभी वीडियो का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं सबसे पहले कमरे के अंदर बैकग्राउंड, यार मैं सोच रहा हूँ कि पर्दे के ऊपर बनाऊँ बैकग्राउंड हमारा, ये पर्दा आ रहा हो और ऊपर जो है हम अपनी वीडियो एडिट करें। चलो यार पहले मैं बताता हूँ आपको शूट कैसे करनी है वीडियो। यार अब जो है हम सेट कर लेते हैं अपना कैमरा। तो कैमरा सेट करने के लिए सबसे पहले जो है हम स्टैंड को अच्छे फ्रेम के ऊपर हम लगाएंगे कि हमारा बैकग्राउंड इस तरह आए कि बैकग्राउंड हिले ना, मतलब जैसे पर्दे आना ये हिलते हैं। हम पंखे वगैरह सब बंद कर देंगे, उसके बाद हम वीडियो शूट करेंगे। सबसे पहले यार हम कैमरा ऑन कर लेते हैं ताकि जो है हमें देखने में आसानी हो। हमने कर लिया कैमरा ऑन, यहाँ पे हम अब करते हैं अपना मोबाइल सेट और फ्रंट कैमरे से हम बनाएंगे तो इसलिए। तो यार इस तरह का जो है हमारा बैकग्राउंड आ रहा है, ये देखें पूरा पर्दा जो है इसमें कवर हो रहा है और यहाँ पे हमने इतनी स्पेस देनी है कि दो बंदों की जगह जो है आराम से आ जाए। तो यार चलो अब करते हैं शूट। दो बंदों का जो है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो बंदों की जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमने डबल शूट करना है जैसे आपने वीडियो में देखा है। तो इसलिए यार दो बंदों की जगह होनी लाजमी ज़रूरी है और हमने काफ़ी एहतियात से वीडियो बनानी है। ये नहीं कि अगर हम एक फ्रेम यहाँ से ले रहे हैं तो हम दूसरा फ्रेम हल्का से यहाँ हो, पूरी जगह छोड़ के हमने यहाँ पर लेना। इसलिए यार थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वीडियो मतलब डिफिकल्ट भी है और ईजी भी है। चलो यार आपने तो सीखना है, सीखते हैं। करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारा बैकग्राउंड जो है यहाँ से लेकर आ रहा है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने कोशिश करनी है काफी फास्ट दे के वीडियो शूट करें। एक जो है मैं यहाँ खड़े होकर शूट करूंगा बिल्कुल एंड तक, एंड पे, और एक जो है मैं यहाँ खड़े होकर शूट करूंगा। चलो यार अभी कर लेते हैं। चलो यार हमने दोनों सीन शूट कर लिए हैं, अब जो है कैमरे करते हैं यहाँ से बंद और अब जाते हैं अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यार अब हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, तो अब जो है हमने करनी है एडिट वीडियो को। तो यार आप भी कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त है वो VN ऐप। तो आप कोई भी कैपकट ऐप, कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, मैं जो हूँ अभी VN ऐप यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसे हम करते हैं क्लिक, नीचे आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा ये जो है ये, अब इस पर हमने क्लिक करना है। अब सामने ये न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से हमने जो वीडियो बनाई है उसको हम ले लेंगे, ये हमने ले ली, और नीचे एरो पर क्लिक कर देंगे और ये हमारी जो है वीडियो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी। हमने वो हिस्सा कट कर देना है जहाँ से हमने मतलब एक्टिंग शुरू नहीं की थी। अब मैंने जो है एक्टिंग शुरू की थी यहाँ से, म्यूज़िक ऑफ कर देंगे यहाँ से। अभी आपको नीचे फोर्थ ऑप्शन के ऊपर स्लिप स्प्लिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर हमने क्लिक करेंगे तो मतलब ये एक कट लगा देगा, जहाँ पे हमने ये स्टॉप की हुई है यहाँ पे कट लगा देगा। ये भी हम करेंगे स्प्लिट, इसने यहाँ कट लगा दिया। अब ये जो बाकी का हिस्सा है ये हम कर देंगे डिलीट। अब यहाँ से हमने सीन शुरू किया था, ये देख सकते हैं आप, तो ये सीन हमारा रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं सीन कहाँ तक चलता है। तो यहाँ पर ये सीन हो चुका है ख़त्म। तो यार पहला रोल हमारा ख़त्म हो चुका है, अब जो है दूसरे रोल की बारी आ गई है। अब ये जो है मैंने बीच में कुछ गैप लिया था यहाँ जाने का, हमने मैंने दो वीडियो शूट नहीं की, एक ही वीडियो शूट किया है, तो इसलिए हम बाद में जो है इसे एडिट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे गया हूँ ना, अब ये हम कट कर लेंगे जो सीन आया बीच में ये वाला, ये थोड़ा सा इधर यहाँ से ये हमने स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ से देखते हैं कहाँ तक हमें करना चाहिए इसे स्प्लिट, यहाँ से, यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से ये हमने कर दिया स्प्लिट और बीच वाला हिस्सा डिलीट कर देंगे। अब यहाँ क्लिक करके इसको
यूं भी डिलीट कर सकते हैं। अब ये हमारे ये भी आ गया, अब हमने यहाँ तक शूट किया इसको, यहाँ से हम कर देंगे स्प्लिट। तो यार यहाँ तक हमारी वीडियो बन चुकी है, मतलब दो रोल जो मैंने अभी अप्लाई करवाए हैं। अब ये जो है ये टाइटल वगैरह इसको भी हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो यार अब हमने क्या करना है, जो ये सेकंड लेयर आ रही है ना, ये देखें जिसमें मैंने अभी क्लिक किया है, इसको अब हमने दूसरी जो फर्स्ट क्लिप के अंदर ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो है नीचे सारे ऑप्शन के एंड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड वाले ऑप्शन में आपको लास्ट में नज़र आ रहा होगा फॉरवर्ड, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगी वीडियो, आप देख सकते हैं। अभी ये कुछ भी नहीं मतलब लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, बस ये ऊपर वाली लेयर में चली गई है। अब हमने इसको जो है ड्रैग करके बिल्कुल इसके ऊपर लेकर आना है, ठीक है। ये देखें हमने इसके ऊपर लगाया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसके मुताबिक। अब ये देखें ऊपर जो है आपको मतलब डबल आ रहा है, इसको हमने सही करने के लिए क्या करेंगे, ये क्लिक किया ऊपर वाले पे और जो है ऊपर वाली लेयर पे, अब हमने इसको फुल कर देना है। ये देखें फिल लिखा हुआ आ रहा है, ये फोर्थ इसके ऊपर फोर्थ ऑप्शन पर इस पर हमने क्लिक कर देना है। अब ये देखें फिल हो गया। आप कह रहे होंगे अभी भी कुछ नहीं हुआ, अब ये एक ही वीडियो आ रही है, तो यार रुको ज़रा सब्र करो। अब जो है हमने ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मास्किंग, ये हमने मास्किंग पे क्लिक कर दिया मास्क पे, और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कर लिया रेक्टेंगल। और अब जहाँ पर ये देख सकते हैं आपको समझ आ गई सारी, अब हमने जो है जहाँ जहाँ मेरा दूसरा आ रहा है रोल वहाँ वहाँ तक इसे हमने रेक्टेंगल में कर देना है। अब ये तो मैं फुल कर देता हूँ क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सेम था, तो इसलिए जो है बैकग्राउंड की जो है दिक्कत नहीं आई। अब हमने जो है इसको कर देना है इतना रेक्टेंगल पे ताकि दो करेक्टर आ सकें। अब हम इसको टिक करेंगे, देख लेते हैं सही बनी है हमारी वीडियो कि नहीं बनी। अब इसे प्ले करते हैं एक दफ़ा। देख सकते हैं गाइज आप ये कितनी इजीली मैंने वीडियो पूरी शूट कर ली है। तो गाइज इस तरह हम जो है वीडियो आसानी से ये वाली वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यार इस तरह से हम काफ़ी इजीली ये जो है डबल रोल वीडियो से कह रहे हैं शूट कर सकते हैं। आपने देखा आपको मैंने सिखा भी दिया, तो आज जल्दी जल्दी जिसको अच्छी लगी वीडियो जल्दी ला कर बनाओ, और वीडियो बनाने से पहले आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना है और मेरे इस चैनल एस तक की आवाज़ को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।